हिमाचल प्रदेश में जो हमारी पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चल रही है, 4 साल से सराहनीय काम कर रही है। प्रदेश हित और जनहित में कई योजनाएं इस सरकार ने चलाई और 4 साल पूरा होने पर 27 दिसंबर 2021 को मंडी में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व रैली हुई है। इस तरह की रैली हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुई, जिसमें लाखों लोग आए। रैली का ग्राउंड, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंडी का पड्डल मैदान है, वो पूरा भर गया, मंडी के बाज़ार भर गए और 10-10 किलोमीटर पीछे से ही लोग को बसों में ही वापस आना पड़ा। इस तरह का उत्साह जो कार्यकर्ताओं में इस रैली के दौरान देखा है, उसके दम पर हम विश्वास से कहते हैं कि 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। सर, राजनीतिक विरोधियों ने कहीं ना कहीं विरोधाभास आपके प्रकट किया कि कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग किया गया रैलियों पर जाने के लिए लोगों को। सरकारी कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। 28,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट जो हैं वो जो है इस प्रदेश में लगेंगे, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा और इसके साथ साथ 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास हुए। इतनी हजारों करोड़ रुपए की सौगात हिमाचल प्रदेश सरकार को मिली है और ये रैली सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर थी, सरकारी स्तर पर थी। इसलिए दुरुपयोग के आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें कि उन्होंने कांग्रेस सरकार में रहते हुए जब जब रैलियां की हैं तब तब इसी तरह से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसें भेजकर ही की है। हमने इस बार की तो उनको इसकी दिक्कत क्यों है ये समझ नहीं आ। थैंक्स सर।